तो गाइस गुड मॉर्निंग, किचन में आई हूँ। यहाँ पर ना बर्तन लगा रही हूँ मैं, और ये काम मोस्टली अजीत का होता है, बट अजीत गए हैं बाहर सामान लेने। और गैस में सबसे पहले लगाऊंगी, यहाँ पर दूध निकाल दिया है, चाय बनाऊंगी, चीज़ स्प्रेड निकाल दिया है, बताऊंगी क्यों। बच्चों ने खा लिया है ये चोकोस, वो चले गए हैं नीचे खेलने। घर पे कोई नहीं है, पूरा घर खाली है, खाली। और मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, बर्तन लगा के जाके नहाऊंगी, चाय पीऊंगी, अजीत भी चाय पियेंगे। अजीत सामान सब्जी लेने गए, सब्जी कुछ चाहिए थी, और फिर हम लोग हमारा संडे जो है कैसे जाता है आपको दिखाऊंगी ब्लॉग में। तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करना। मिलती हूँ मैं आपको चाय पीने के बाद, नहाने के बाद। बर्तन लग गए, पूरा क्लीन हो गया। अब हमारे यहाँ पर बनेगा लंच, मतलब लंच को चाय पी लूँगी के बाद बनेगा, नहाने के बाद। मैं नहाई नहीं हूँ अब तक। अजीत अभी आने वाले हैं, बस पूरा क्लीन कर दिया है, चाय भी ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगी, हो गई है। बच्चों को छुट्टियाँ शुरू हो गई, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं नीचे खेल के। ये कुकर रखना है मुझे। अजीत को मैंने देख लिया नीचे से, मैं उनको कॉल ही कर रही थी, तो वो उनके दोनों हाथ फुल सामान से पूरे भरे हुए थे और वो ऐसे देख रहे थे। तो मैंने बोला अरे मैं हूँ ठीक है मत उठा फोन। अब वो आ रहे हैं, बस आपको दिखाती हूँ मेरे पति मुझे कितना प्यार करते हैं। और घर का सारा सामान जो है ऑलमोस्ट वही लेके आते हैं, मैं खाली बस खाली खाना बनाती हूँ, सामान भी लेके आते हैं। और ऐसे कभी नहीं बोलते कि मैं क्यों जाऊँ तू चली जा, कभी नहीं बोलते। ही इज ऑलवेज रेडी टू गो एंड गेट थिंग्स, भले एक सामान लाना हो, एक चीज़ लानी हो, धनिया लाना हो, मिर्ची लानी हो, कभी मना नहीं करते हैं। ही इज़ वेरी गुड। और वो पहले से ऐसे हैं, शादी के पहले भी वो बहुत हेल्प करते थे घर पे, तो वो हमका नेचर बहुत हेल्पिंग है। ही इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी केयरिंग। अभी दिखाती हूँ आपको, आएंगे तो आने वाले आइए आपका। तो मेरे पति जी आ गए हैं, इतनी तारीफ की मैंने आपकी व्लॉग में, देखना इतनी तारीफ करी आपके इस व्लॉग में कि इतने कैरिंग है। इसके लिए मैं बोलूं हिचकी क्यों आ रहा है, कोई तो गाली देता रहेगा। तारीफ कर रहे थे। और यहाँ पर सामान आ गया है, ये है सब्जी। यहाँ पर भी है हरी सब्जी जो मुझे साफ करनी है। हे भगवान, मेरे को तो हरी सब्जी देखते चक्कर आ जाते। यहाँ पर लंच की तैयारी हो रही है। ब्राउनी कौन, ब्राउनी क्यों लेके आए आप यार? ऐसे हाँ, ये मीठा हमेशा लेके आते हो ना आप, इतने बड़े मीठे के ना। एप्पल पाई भी लेके आए। एप्पल पाई, एकदम क्यूट सा एप्पल पाई। ये नहीं, आप पहले भी लेके आए थे एप्पल पाई, आपको याद है? नहीं, ये ब्राउनी एप्पल पाई लेके आए थे। और यहाँ पर आम है, ये पके हुए आम है, ये थोड़े कच्चे आम है, तो ये बाहर रखेंगे, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। ओके, मिल गया। दिस इज सो क्यूट, वेरी क्यूट। ये लो अजीत, ये काम है, ये मालूम है क्या, ये ना 100-200 रुपए की ब्राउनी आती थी बाहर ना, 200-250 रुपए की बार ब्राउनी, 60 रुपए की मिली है। अजीत ये फ्रिज में रखना है, फ्रिज में रखना है, ये नॉर्मल रख सकते हैं। यू गोना हैव विद वनीला आइसक्रीम? यस यस, वनीला आइसक्रीम की जगह आप लाओगे ना? आप तो सर्दी बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, हैं शर्म नहीं आ रही आपको? मैंने जब बोला अजीत कुछ जूस ले आना, अरे सबके सर्दी हो रही है, गले खराब, सबके मतलब किसके खराब हो रहे हैं, इनके ही हो रहे हैं, और अजीत तो ठीक हो गया। मैं तो मुझे तो मेरे को तो पी के ठंडा पी के ठीक होती हूँ मैं तो, मेरे को तो काउंट ही मत करो। हाँ, तो इसी के लिए तो लेके आया। कहाँ पर जूस, कहाँ पर है जूस? हाँ, अंडा। कितनी खुशी हो रही ना आपको? क्या 60 रुपए कितने मिले अजू अंडे? 12 अंडे। और मैं ब्लिंकिट में देख रही थी अजू, 60 रुपए के 6 अंडे। क्या बात करो, नहीं 10 अंडे तो सेम ही है, महंगा है ना फिर? थोड़ा तो पेट्रोल कॉस्ट निकल। एक एक कितने का, ये नहीं, एक अंडा कितने का मिलता है बाहर? 5 रुपए का। ये तो नहीं, हाँ। ये कितने का मिला है? 5 रुपए का एक अंडा, तो 60 का 12, 5 ना, हाँ। तो 60 का आई थिंक 6 मिलते उधर, 6 महंगा मिलता है बहुत यार। आई विल चेक अगेन, मैं सोचती हूँ ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर करूँ, इतना सुना है पर सबसे ज्यादा तेज और फास्ट तो मेरे हस्बैंड की डिलीवरी है, तो मैं ब्लिंकिट से क्यों ऑर्डर करूँ? अजू भाई, इज़ इट ओरिका स्पाइस? ओरिका स्पाइस। चाय हो गई अजू, चाय पीने के बाद ना ये बाहर रखते हैं, अंदर रखते हैं? चाय के बाद ना अजू कपड़े फैला देना, बस चाय बंद कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा डालूंगी मैं ये टी मसाला। ये भाई थोड़ा बड़ा लेके आया हूँ, लाए वो मिल गया बड़ा गाली भाई, 30 रुपए का मिला है। हाँ 30 रुपए का एक मिला है। हाँ नाइस। और अजू आपने क्या
सामान सामान वो रख दिया ये भाजी का। चलो चलो मैं चाय छान रही हूँ। अज्जू मुझे ना एक आइडिया आया, जब खाना खाएंगे ना अज्जू तो ये रील बनाएंगे। मैं बता दी, वो जो है ना रील चल रही है, बाकी सब ठीक सब चल रहा है। तो आप सब बैठे हो, उंगली जाता था अभी रख दो। किसका? आपका। तो इसके अंदर आएंगे उंगली घुसा के मेरे को दे रहे हो आप। जाओ ना, मुझे तो उंगली का निकाला था ना इसलिए। शट अप। आज का लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। क्या कर रहे हो अभी? हाँ आम सेट करो। आम सेट करो। अच्छा वहां पर कर देना उधर। पानी भरने का ऐसा भी ऐसा बोलते हैं तो कुएं से पानी भर के लेके आना हमको। चाय हो रही है अज्जू, कपड़े फैलाने हैं आपको। हाँ यार समझ गया, चार पांच बार कोई मत। नहीं क्योंकि मैंने कल आपको एक बार बोला था तो आपने फैलाए नहीं, आप भूल गए। कल के कपड़े धुले पड़े हैं, प्लीज। कल रात की। हाँ कल रात को। ये चेहरा देख लो, मुखौटा मुखौटा है। सब मुखौटा ऐसा निकालोगी ना। मैं आम रख दिया, आपने रख दिया। आई लव यू। आई लव यू टू। सो स्मार्ट। हाँ अब सब कमेंट करेंगे, व्हाई यू बीइंग सो चीजी चीजी दिस दैट। भाई हम तो ऐसे हैं भैया। हाँ कौन बोला कि शादी के बाद 15 साल बाद प्यार कम हो जाता है? हाँ दिख रहा था ना वो तो उंगली करने का आपको ये याद है। आई लव यू सो मच अजीत, सच्ची में ऐसे काम करते तो ज्यादा प्यार आता है आप पे। मालूम है ऐसे काम करते, जब मैं बता रही हूँ, जब पति घर के काम में हेल्प करता है ना तो प्यार जो है ना जो 10 गुना बढ़ जाता है। 10 गुना, 2 गुना भी नहीं, 10 गुना बढ़ जाता है। तो टिप है सारे हस्बैंड के लिए, पत्नी का प्यार चाहिए आपको बिना बोले तो बिना बोले काम भी कर देना घर का। चाय हो गई है तैयार, आपकी चाय भारत दी है। पर इनको बातें करने को जरूरी। हाँ बोलिए। हाँ वही ना, क्योंकि चाय ठंडी हो रही, चाय ठंडी हो रही, चाय ठंडी हो रही, चाय ठंडी हो रही करके चालू होता है। जब देखो ये कितना सॉफ्ट ब्रेड है, अरे 40 रुपए का ही है। ये जो अपना नॉर्मल वाला वो जो आता है ना मॉडर्न वेव्स, ये सब 45। पर ये ब्रेड जो है हम लोग अब क्यों लाए ब्रेड ऐसे ही, मतलब ये अभी बच्चा लोग का। और आज आप लोग आप कैसी कर लीजिए, आज क्या बन रहा है लंच में? बंस आ गए हैं, आज बन रहा है बर्गर। देखो मतलब एक्सट्रीम चॉइस है, या तो बर्गर बनने वाला था या तो स्प्राउट्स बनने वाला था। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम। इतना अच्छा नहीं आया, कल कल हो जाएगा। मैंने कहा स्प्राउट नहीं होगा अगर बराबर से, तो हम लोग बर्गर खा लेंगे। बच्चों को बर्गर खाए टाइम भी होगा। एंड इनको बहुत मन कर रहा था खाने का बर्गर मेरे हाथ। यू टोल्ड ना बर्गर खाने का मन कर, ऐसे क्या देख रहे हो यार? मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? मैं जब मुक्का मारोगे ना घुस के कैमरे के अंदर। कैमरे के अंदर ही घुस के मारो। आपको नहीं चाहिए बर्गर, सोयाबीन वड़ी पड़ी है, दे दूंगी रोटी। हाँ इतनी सी तो पड़ी है, उसमें क्या होगा? मेरा एक ही गिरा है, मैं हो जाएगा। चलो यार चाय ठंडी मत करो मेरी, आप मुझे नाना भी है, बहुत सारे काम है मेरे पास। सब्जियां का ढेर लगा है। अच्छा है संडे आज, आप मेरी हेल्प करना भूली गई। मैं जब रेडी होती तो मुझे बोलती भी नहीं हूँ, क्यों सब नाइटी डाली होती तो सब मेरा ध्यान। जब मैं रेडी होती हूँ अच्छी तरह से रेडी होते तो वो सब ध्यान चला जाता है। तो गाइस देखिए ऐसा थोड़ा थोड़ा है ना, कॉम्प्लीमेंट्स मारते रहने का ये सबसे बेस्ट बात है। दुपट्टा भी मैंने रख दिया है, अब मैं से और मुझे वीडियोस बनाने हैं दो तीन। हाँ दुपट्टा बहुत अच्छा है ना, उस साड़ी कैसे लगेगी उस टाइप में? हाँ? अच्छी लगेगी साड़ी। साड़ी नहीं नहीं अच्छा, दुपट्टा का अच्छा लुक आ रहा है। जो सब्जी तो अंदर रखी नहीं बाबू आपने, तो भूल ही गए। तो यहाँ पर मैंने बोला कि जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ थोड़ा सा काम कर दो, मेरा हेल्प कर दो। संडे है, संडे छुट्टी का दिन है, छुट्टी का दिन है। एक काम 10 के बराबर होता है और औरत का 10 काम 1 के बराबर ऐसा हम लोग मानते हैं। अच्छा मुझे ना एक रील का आइडिया आ रहा है, वो करेंगे। अजीत ने सब्जी काट दी है, बस अभी खाने की तैयारी हो रही है। तो लहसुन छिला हुआ लेके आते हैं अजीत। तो यहाँ पर तेल गरम कर रही हूँ। ये हो रहा है हमारा आज का खाने की तैयारी। फाइनली शूट हो गया, रील्स बन गई, बच्चों को डांट दिया, अजीत को भी डांट पड़ गई। रील्स बनती है तो थोड़ा सा एंगल का इश्यू की वजह से हमारा हो जाता है कि जो मैं सोचती हूँ वैसे लोग समझते नहीं है। कितना भी क्लियरली बताओ, कितना भी प्रैक्टिस करो, इन लोगों से होता ही नहीं है, इनको आता ही नहीं है। डायरेक्टर को समझाना चाहिए। समझा रही डायरेक्टर। तब जा रही हूँ मैं किचन में। हेलो, और ये यहाँ पर देख रहा है, हेलो बोलो ब्लॉग में। और ये बेडशीट नई नई हमारी, कैसी लग रही है? नई नहीं है मतलब बहुत दिन बाद बिछाई है मैंने, ये मस्त लग रही है ना बेडशीट। हृदय वेरी नाइस। देखते हैं अजीत क्या कर रहे हैं। अजीत कुछ काम कर रहे हैं, देखे जरा। पूज्य पति देव, ओह किस कर रहे हो?
मस्करन को किस कर रहे हो? सूंघ रहा हूं। सूंघो? काटने का कि नहीं काटने का वही सोच रहा हूं। मत काटो फिर, लग रहा है। सूंघ के दिखाओ, निकम है ना खुशबू, तो रुक जाओ फिर, काट लो। काट ही लेता हूं, बाद में मांगने नहीं मिलेगा। ऊपर वाला आप खा लेना, कच्चा रहेगा तो, नीचे वाला मैं खा लूंगी। ये वाला ए बिंदी लगी हुई है। पूज्य पति जी, आज जो मुझे आज से वो निकलना। चाह बनेगी? चाह तो बहुत ना चाहे तुझे। देखो जरा काटो, देखो कैसा हो रहा है। देखे जरा पक्का है कि नहीं पक्का है। तीन बर्गर बन बचे हुए, तो बच्चों को मैं होगा तो दूंगी। तो अजीत जी क्या कर रहे हैं पता है? अजीत जो काटते हैं ना फ्रूट्स, खरबूजा, खरबूजा फ्रूट्स अजीत काटते हैं ना, उसमें मिठास इतनी होती है, इतनी होती है कि खाने का मजा ही आ जाता है। मेरे को लगा खाने का मजा नहीं आता है, मजा आता इतना है, मीठा होता है। इसलिए अजीत के हाथ से फ्रूट कटवा के खाना चाहिए। अपने अब हर औरत को क्या, क्या, अपने पति के हाथ से काट कटवा के खाने चाहिए फ्रूट्स, उसका मजा ही कुछ और है और हेल्थ बनेगी। वैसे भी पति पत्नी तो हमेशा ही काटती है पति का, तो हमेशा मीठे रहते हम लोग। मीठे रहते, क्या बोल रहे हो? दिमाग चल गया है, चढ़िया हो गया, चढ़िया। चाय बीबी, ध्यान से। अभी मैंने दो जोड़ी मेथी की साफ करी और मैंने दो जोड़ी पालक की साफ करके रखी है। शेपू रखा है यहाँ पर, ले लिया है मैंने अपना पीने का पानी। अब हम जा रहे हैं बच्चों के रूम में, क्योंकि वहाँ पर हम खेलने वाले हैं ओनो एंड कार्स। बच्चों छुट्टियाँ चल रही है, कोई डोर तो खोल दो। अंदर वेट हो रहा है भैया हमारा। मामा गिव मी पानी। अरे यार मैं पानी अपने लेके आई, रुको रुको रुको, दिस इज कोल्ड वाटर, यू गो गेट वाटर फॉर यू। वेट 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 वेट, दे डोंट टच दिस, आई टोल्ड यू गेट, गो गेट वाटर फ्रॉम हियर, गो गो। नो नो, दे वाला लाइक अ मेस, गो द टेक द बॉटल। चलो पापा हैज बॉटल हियर, कम हियर, हियर हियर, टेक दिस। बस हो गया रे, दे डोंट कॉपी कैट, दे टेक दिस, दे टेक दिस। सुनते नहीं है बच्चे यार, आई एम टेलिंग यू टेक दिस, टेक दिस, यू डोंट लिसन टू मी यार। कितने नामाकुल बच्चे हमारे। रिकॉर्डिंग हो रही है, जा रहा है व्लॉग में ये। एक बार मैं सुनने का, व्हेन आई टोल्ड टेक दिस, टेक दिस। मामा दीदी सेड दैट आपसे आए विस्पर करके। ये पानी गिरेगा ना आईक्यू पे ऊपर, तो फिर तुम्हारा आईपैड खराब हो जाएगा। फिर बैठ के शक्ल देखना हमारी छुट्टियों में। आप है ना बैठने के लिए थोड़ा ध्यान रखो। हां अजीत, पानी कहां पर है? उधर टेबल के ऊपर। तो यहां पर हो रहा है उन लोगों का गेम, पता है कि निष्ठा, बताइए निष्ठा जी, बता बता रहा हूं मैं, बता। बहू है, घर की बहू है ये, बता क्या बताऊं, क्या हो रहा है गेम बताओ। फ्लिप ओनो खेल रहे हैं और अल्डर फ्लिप ओनोस गेम व्हिच इज अ ओनो टाइप, बट इफ यू टर्न अराउंड इट ओके हम खेलेंगे। और तो मैं ब्लॉक को भी खेलने के पहले खत्म कर दूंगी, एंड करूंगी, जैसे कि हम लोग आराम से बिना किसी डिस्टर्बेंस के खेल सके, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारा गुस्सा आर्ग्यूमेंट झगड़े होते हैं खेलते वक्त, वो नहीं दिखाना, वो हमको दिखाना नहीं है, हमारा इम्प्रेशन खराब हो जाएगा। वी प्ले एवरी गेम वेरी सीरियसली एंड कॉम्पिटिटिव। सबसे ज्यादा रोते हैं ये और ये। तो गाइस आई होप आपको हमारा व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। तो इस सोने मुखड़े को देख के लाइक शेयर कमेंट कर दो, इस नमूने को भी देख के लाइक शेयर कमेंट कर दो, और इस हैंडसम को भी देख के लाइक शेयर कमेंट कर दो। सब्सक्राइब करना ना बोलना, बाय, क्योंकि पैसे है ना, पैसे मिलते हैं। बाय, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।